हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर एजुकेटर हैं, तो काफी लोगों को आप कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। आज के टाइम में स्कूल्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो यह भी जरूरी हो गया है कि टीचर्स अपनी क्लास में कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम जरूर रखें, ताकि क्लास में लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़े और बच्चों को एक अच्छा लर्निंग स्पेस मिले। एक सर्वे यह भी बताता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट की क्वालिटी स्टूडेंट और उनकी लर्निंग दोनों को इफेक्ट करती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो एसेंशियल चीजें जो कि एक क्लासरूम में होना बहुत जरूरी है। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अ स्टैश ऑफ एसेंशियल क्लासरूम सप्लाईज। जरूरी चीजों की बात करें तो सबसे पहले आपके क्लासरूम में बेसिक सप्लाईज होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्कर्स, चॉक्स, पेंसिल्स, नोटबुक, पेंस एक्सेट्रा, जो कि आपको बेसिक चीजें पता ही हैं। इसके साथ ही साथ आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन चीजों की जिनकी आपके स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप उन चीजों को पहले से ही ऑर्डर करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट है अ वॉल ऑफ फेम फॉर स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए क्लास में एक क्रिएटिव वॉल बना सकते हैं, जिस पर आप स्टूडेंट्स की अचीवमेंट लगा सकते हैं। इस वॉल को आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्लास को डेडिकेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टडीज हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। ये ऐसा है जैसा कि ऑफिस में होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और मेहनत भी करेंगे। अगला पॉइंट है वॉल ऑर्गेनाइजर एंड फिलिंग कैबिनेट्स। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम बड़ी ही स्मूथली चलता है। एज अ टीचर आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि सब कुछ ऑर्डर में हो और स्टूडेंट क्लासरूम को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हो। क्लास को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप क्लास में वॉल ऑर्गेनाइजर्स, प्लास्टिक फिलिंग कैबिनेट्स, बाइंडर्स, बॉक्सेस और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। आप क्लास में स्टूडेंट्स को यह भी सिखा सकते हैं कि क्लास को एक्चुअली में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इससे उनको बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी। अगला पॉइंट है पर्सनलाइज्ड क्लासरूम लाइब्रेरी। क्लासरूम में एक स्मॉल पर्सनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसके अंदर रिलेवेंट बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होने चाहिए। क्लासरूम का एक कॉर्नर रीडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट क्लास के बीच में जब चाहे रीडिंग कर सकते हैं। उस कॉर्नर में सभी तरह की बुक्स होनी चाहिए, जैसे कि नॉवेल्स, फिक्शन, लिटरेचर एक्सेट्रा, ताकि स्टूडेंट्स को रीडिंग की हैबिट लग सके। अगला पॉइंट है ऑनलाइन लर्निंग गेम्स एंड पजल। अगर क्लासेस के बीच में कोई फ्री पीरियड है, तो टीचर्स क्लास में ऑनलाइन लर्निंग गेम्स और पजल्स भी रख सकते हैं, ताकि फ्री टाइम में स्टूडेंट्स फन वे में कुछ ना कुछ लर्न कर सके। एजुकेशन गेम्स वैसे भी काफी ज्यादा इंटरैक्टिव और एफिशिएंट सोर्स ऑफ लर्निंग साबित होते हैं। इसके अलावा आप और भी चीजें जो कि क्लास में ऐड कर सकते हैं, वो है सब्स्टिट्यूट टीचर रेफरेंस पैकेट, स्टोरेज बिन, असाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, एक्टिविटी प्लानर और ग्रेड बुक भी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि क्लासरूम को स्मूथ चलाने में और लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजों की क्लास में जरूरत पड़ती है। ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं आपकी बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।